न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट के उपनिदेशक एवं चिकित्सीय सेवाओं की प्रमुख डॉक्टर नंदिनी कुलचंदन ने आगरा में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि डाउन सिंड्रोम और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित बच्चों के विकास में न्यूरो रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट से पुनर्वास थेरेपी कारगर है। अभी तक यही माना जाता था कि जन्म के दौरान मस्तिष्क को होने वाली क्षति अपरिवर्तनीय या लाइलाज होती है। हालांकि अब उभरते अनुसंधान के साथ हम यह जान गए हैं कि सेल थेरेपी का उपयोग कर क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के उत्तकों की मरम्मत की जा सकती है। न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट द्वारा आगरा, मेरठ और आसपास के इलाकों में रहने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के सभी मरीजों के लिए 21 सितंबर 2019 को मेरठ में एक निःशुल्क कार्यशाला सह ओपीडी परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज हम आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं न्यूरोजन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट एक संस्था है जो नवी मुंबई में स्थित है, वहाँ की मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। और खुशी जो है मीरज की है जिनको डाउन सिंड्रोम है और वो स्टेम सेल थेरेपी ट्रीटमेंट जो है उसके लिए मुंबई आई थी। उनकी मम्मी बताएगी कि वो किस तरह से पहले थी और कैसे उनमें सुधार आया है, कैसे उनको सबने कहा कि ये बच्चे बैठ भी नहीं पाएगी, खड़े भी नहीं हो पाएगी, चल भी नहीं पाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत करके उनको इस लेवल पे लाया है और स्टेम सेल थेरेपी ने उनको कैसे मदद किया। स्टेम सेल थेरेपी ये न्यू ट्रीटमेंट है, पुनर्निर्माण शास्त्र का एक भाग है जहाँ पे पेशेंट के ही शरीर से हम स्टेम सेल्स लेते हैं और ब्रेन डैमेज और स्पाइन डैमेज पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऐसे पेशेंट्स को एक पॉजिटिव होप हम देना चाहते हैं और इनके लिए एक फ्री कैंप हम मीरठ में करेंगे एंड ऑफ द मंथ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस इसके बारे में पहुँचे कि जैसे खुशी में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आए हैं वैसे बहुत सारे बच्चों में आ सकते हैं। जितना जल्दी इनका इलाज हो उतना अच्छा होता है, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें 9920200400 ये नंबर पे। अभी फिलहाल ट्रीटमेंट मुंबई में होता है, अवेयरनेस के लिए लोग हमारे तक पहुंच पाए इसीलिए हम कैंप्स अलग अलग जगह पे ऑल ओवर इंडिया छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी करते हैं, बट क्योंकि ये एक एडवांस साइंस है तो फिलहाल ये ट्रीटमेंट, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, बहुत सारे लोग मिलके ये ट्रीटमेंट करते हैं इसीलिए वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर होना ज़रूरी होता है। तो फिलहाल अभी तक हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से 8500 8,500 के ऊपर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। 60 से 65 कंट्रीज से आए हुए हैं, उनमें से बच्चों की तादाद लगभग 4000 होंगे जिनमें अलग अलग तरह के, और 90% बच्चों में हम देखते हैं कि सुधार या फायदा होता है। परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट हर बच्चे में जितना जल्दी आए, जैसे 2-3-4 साल पे जब बच्चा आता है तो 1-2 साल में वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जा पाता है। किसी में 20-30% इम्प्रूवमेंट होता है, किसी में 50-60% इम्प्रूवमेंट होता है। तो फाइनली हम ये है कि बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो, स्वावलंबी हो, ये हमारी अपेक्षा है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW X Y Z। 10 साल की हो गई है, जब पैदा हुई थी तो तब हमें नहीं पता था कि इसे क्या दिक्कत है, फिर हमें 2.5 महीने की थी तब पता चला कि इसे डॉक्टर ने बताया कि डाउन सिंड्रोम है, कुछ सिम्टम्स भी बताए कि ये होते हैं इन बच्चों में। तो डॉक्टर ने कहा कि कभी चल नहीं पाएगी, बैठ नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, खाट पे रहेगी। फिर एक दो डॉक्टर ने हमें पॉजिटिव भी थॉट दिया कि नहीं ये सब कुछ कर लेगी, फिर ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही हमने इसे ट्रीट किया, ना किसी से कुछ छिपाया। बहुत से हमारे जानने वाले ऐसे भी हैं कि बच्चों को छिपा लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चे में दिक्कत है, तो हमने किसी से कुछ नहीं छिपाया, हमने सबसे बताया कि इसमें दिक्कत है, क्योंकि सबसे बताओगे तभी कुछ ना कुछ जरिया मिलेगा कि कहीं कुछ इलाज है इसका। बस इसका अभी जो फायदा है एकेडमी की बिल्कुल जीरो थी, उससे पहले स्टेम सेल से पहले याद करती थी पर ये 1-2 दिन बाद फिर बिल्कुल भूल जाती थी। अब इसे माइस्टेल्फ भी सारा पता है, फ्रूट्स नेम, डेज नेम, मतलब जो इसे एक बार याद करा दिया याद है इसको। पहले इसे वैसी मेमोरी अच्छी है
जो सोशली थी, पर जो इसका एकेडमिक था वो बिल्कुल शून्य था। सोशलिज्म ये कभी भी किसी से आई कांटेक्ट करके बात नहीं करती थी, अब ये सबसे आई कांटेक्ट करके बात करती है, किसी से भी कहीं एक जगह इतनी देर बैठ नहीं पाती थी।